अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा, CEO and founder at Sabasoft. The topic we are going to discuss is becoming junior engineer as a mechanical engineer in WAPDA with Sameer Shahid साहब. समीर शाहिद साहब ने जो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो NUST से की हुई है 2015 में. अभी बाकी उनकी प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड और अदर नोटेबल अचीवमेंट्स उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए. थोड़ा सा अपना मुझे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दें और जो है आपकी अदर नोटेबल अचीवमेंट्स बिफोर कमिंग टू द आपका. वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने मुझे जो है ना वो एक फॉरम दिया जिसपे मैं जो है ना अपना नॉलेज बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ. तो जहाँ तक मेरे जो है ना वो एजुकेशनल बैकग्राउंड का ताल्लुक है, मैंने मुल्तान से लॉरेंस कैडेट स्कूल से सबसे पहले अपना मैट्रिक किया. उसके बाद राइस कॉलेज ऑफ साइंस से मेरी जो है ना वो FSC है. उसके बाद मैंने नस्ट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2015 में, नस्ट इस्लामाबाद से. तो 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉब करता रहा. 2015 में ही मैंने जो है ना वो चाइना की एक फर्म है, चाइना हुआनेंग ग्रुप, उसको ज्वाइन किया जिसने बेसिकली साहिवाल में 1320 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लगाया. तो उनके साथ जो है ना फिर ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं चाइना भी रहा, फिर वापस आ गया. साहिवाल प्रोजेक्ट को हमने कमीशन भी किया, उसको जो है ना नॉर्मल ऑपरेशन में लेके आए हम लोग. उसके बाद फिर मैं 2019 तक जो है वो साहिवाल प्रोजेक्ट पर ही काम करता रहा. फिर वापडा की अपॉर्चुनिटीज आई. मीनवाइल मैं मतलब ट्राई कर रहा था किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी, क्योंकि डेफिनेटली हर जॉब के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो हर बंदा अपना जो है ना वो बेहतर फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश में होता है. तो मैं भी उसी कोशिश में था, ऑल्दो वो भी एक अच्छी जॉब थी, लेकिन जो है ना स्टिल आई अप्लाइड फॉर वापडा एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड इन वापडा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो ये मेरा जो है ना वो बैकग्राउंड. माशाल्लाह, व्हाट एन इंप्रेसिव जर्नी एंड ऑल द अचीवमेंट्स. अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि मैं जो है वापडा से पहले जो है वो साहिवाल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. तो साहिवाल प्रोजेक्ट की एक्सपर्टीज आपके कितने काम आई इनटू द जो है वापडा में जब से काम कर रहे हैं? इनका ऑब्वियसली कोई मैच है या मतलब ये इतने कोई आपस में लिंक नहीं है? देखिए, इस तरह है कि मतलब साहिवाल पावर प्रोजेक्ट है, वो भी एक जो है ना पावर सेक्टर का ही प्रोजेक्ट था. हो सकता है अगर वो कोई डिफरेंट सेक्टर होता तो शायद वो कुछ एक्सपर्टीज मेरे काम ना आती, लेकिन क्योंकि साहिवाल प्रोजेक्ट भी एक पावर का प्रोजेक्ट था, वापडा भी एक पावर का ही प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर ऑल्दो वो एक थर्मल प्रोजेक्ट था, कुछ चीज़ें जो है ना वो सेम होती हैं, आपके कुछ साइकिल्स सेम होते हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया होता है कि जब आप एक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर होंगे तो आपको किस तरह की जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज मिलेगी, किस तरह का जो है ना वो आपका ऑपरेशन का साइकिल होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे ऑलरेडी इन चीज़ों का आइडिया था कि ये चीज़ें फंक्शन कैसे करेंगी, यहाँ पर डिफरेंट मतलब लूब ऑयल के, कूलिंग वाटर के, हाइड्रोलिक सप्लाई के, गवर्निंग के किस तरह के साइकिल्स होंगे. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस ने वापडा के अंदर अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए, जस्ट बिकॉज के मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड भी उसी तरह का था जिस तरह का मेरा जो है ना अभी करंट जर्नी चल रहा है. तो डेफिनेटली मेरी जॉब ने, प्रीवियस जॉब ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है इस सारे प्रोसेस में. ठीक, माशाल्लाह. अच्छा, मुझे बताएं कि एक जो कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहता है ऐसे जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो है वापडा में, एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है और मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होती है इसके लिए? जी, अच्छा, इस तरह है कि अगर आप एज अ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वापडा में जो है वो आना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है ना मिनिमम BE या BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको जो है. इसके बाद आप, यही मिनिमम वो क्राइटेरिया है जो वापडा डिमांड करता है अपने कैंडिडेट से. वंस यू आर क्वालिफाइड, और उसके बाद आपकी जो मिनिमम एज है वो एज पर गवर्नमेंट रूल होती है और मैक्सिमम एज भी उन्होंने स्पेसिफाई की होती है. आई थिंक समवेयर अराउंड 30 to 32 ईयर्स होती है एज पर गवर्नमेंट रूल जो है ना वो होती है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर स्पेसिफाइड होती है. तो इफ यू आर एनीवेयर बिटवीन 21 and 30 आई थिंक यू कैन अप्लाई इन वापडा. ठीक, अच्छा, सही. अच्छा, मुझे बताएं एक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टेस्टिंग होता है उसकी टेस्टिंग मेथड के बारे में बता दें कि कौन कोर्स कंटेंट क्या होता है, और उसमें जो है कोई रेलिवेंट बुक्स के बारे में। सबसे पहले थोड़ा कोर्स कंटेंट के बारे में बता दें कि एक बंदे ने पास करना है मैकेनिकल इंजीनियर, तो जो है वो कैसे वापडा में आ सकता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना एक काफ़ी डाइवर्स किस्म की फील्ड है। मतलब अगर आप इसमें देखें ना तो ये थर्मोडाइनमिक्स से लेकर फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रीटमेंट, इसके अंदर रेफ्रिजरेशन के सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर गैस टर्बाइंस के हैं, थ्योरी ऑफ मशीन के हैं, मशीन डिज़ाइन के हैं। मतलब एक जो है ना काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म का इसका जो है ना वो कोर्स कंटेंट होता है। मोर और लेस जो पेपर सेटर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो जो है ना कहीं से भी जो है ना वो किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं। लेकिन वापडा के अंदर चूंकि जो है एक पावर सेक्टर है जिसके अंदर आपके पास रोटरी इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आपके पास पंप्स हो गए, टर्बाइंस हो गई, आपके पास फैंस हो गए, ये वाले इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको जो है ना टर्बो मशीनरी का पोर्शन जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। अब मैकेनिकल के अंदर टर्बो मशीनरी का पोर्शन, उसके अंदर आपके सारे पंप्स आ जाते हैं, फर्दर उनकी टाइप्स आ जाती हैं, कंप्रेसर्स आ जाते हैं, उनकी टाइप्स आ जाती हैं, टर्बाइंस आ जाती हैं, उनकी टाइप्स आ जाती हैं, फिर टर्बाइन में आपके पास फिर हाइडल टर्बाइंस हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। तो आपको ये जो टर्बो मशीनरी का पोर्शन है ना इसको बड़ी ही अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वापडा के एग्जाम में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनकी एफिशिएंसी से रिलेटेड। आप ये नहीं है कि आप किसी एक बुक को सिर्फ और सिर्फ रटा मार लें। इस तरह जो है ना आप रटा मारेंगे ना अल्टीमेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको भूल जाएंगे। अगर वो सेम टू सेम भी आ गए ना तो आपको स्टिल भूल जाएंगे। वो आपको कह देंगे जी हमने एक फैक्टर को जो है ना वो कम कर दिया, दूसरे को ज़्यादा कर दिया, अब एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको जब तक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, इवन आपको रटा भी नहीं मारा जाएगा आपसे। तो आपको सबसे पहले अपने जो है ना कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के क्लियर करने पड़ेंगे। वंस योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर then you can learn it, either you can cram it or you can learn it, understand it, you can prepare it whatever the way you want। तो इसके अलावा हमारे एग्जाम में जो है वो थ्योरी ऑफ मशीन्स का पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा आया था। मतलब उसके अंदर जो है ना जो जॉइंट्स एंड लिंकेजेस हो गए, या फिर काइनेमेटिक्स का पोर्शन हो गया, उसके अंदर आपके सारे ये गियर्स हो गए, पुलीज हो गई, आपके जो है ना बेल्ट्स हो गई, इन चीज़ों के बारे में भी पूछा गया था। गवर्नर्स हो गए, गवर्नर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हार्टल, हार्टुंग, ये वो। मतलब काफ़ी आपने जो है ना थ्योरी ऑफ मशीन्स को पढ़ें, टर्बो मशीनरी को पढ़ें, थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ें। आपके जितने साइकिल्स हो गए थर्मोडाइनमिक्स में, आप रैंकाइन साइकिल पढ़ते हैं, आप जो है गैस के जितने भी साइकिल्स हो गए उनको पढ़ते हैं, आप डीजल इंजन के, आप जो है ना जितने भी आपके पास थर्मोडाइनमिक्स में साइकिल्स हैं आप उनको अच्छी तरह तैयार करें। देखें कि उन साइकिल्स के अंदर आपके जो है ना वो कौन से पैरामीटर्स को कम या ज़्यादा करने से आपके जो है ना डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी एफिशिएंसीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मोर और लेस इसी तरह का एग्ज़ाम होता है। फिर आप अगर इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका जो अपना कोर्स कंटेंट होता है, आपकी अपनी जो बुक्स होती हैं जो आपने अपने जो है वो इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ी होती हैं, आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं अपनी स्लाइड से अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा, आजकल ऑनलाइन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊं, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं। आप देखें, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मटीरियल हमारे पास अवेलेबल होता है। एक गीक एमसीक्यूज वेबसाइट है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल है, आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप है अपना, आप उस बुक को जो है ना खुर्मी की है वो बुक, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अंदर भी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझाया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। फिर यूट्यूब के ऊपर भी जो है ना आपको काफ़ी चीज़ों की एनिमेशंस भी मिल जाती हैं। आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आप YouTube पे जाएं, रेलेवेंट टॉपिक को सर्च करें, उसकी एनिमेशन को सर्च करें। इंडियन लेक्चर्स हैं, इंडियन उनको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, आप उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप इसकी ना इस तरह एक डिटेल्ड तैयारी करें, उसके बाद आप जो है ना इजीली अपने एग्जाम को जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, टेक्निकल साइड तो माशाल्लाह आपने बुक्स वाइज भी बता दिया, ऑनलाइन भी बता दिया, जो कोर्स कंटेंट है वो टर्बाइंस हो गई, मशीन्स हो गई, और थर्ड मेरे ख्याल में थर्मोडायनामिक्स हो गई, थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, टर्बो मशीनरी हो गई, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं वापडा के नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर। ठीक, अच्छा ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया। इसके अलावा क्या पेपर में जो टेस्ट वाइज है उसमें कोई नॉन टेक्निकल पार्ट भी इंक्लूडेड होता है? जी, थोड़ा बहुत 10-20% डिफरेंट एग्जाम्स में वो होता है। नॉन टेक्निक उसके अंदर ये होता है कि कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑल्दो वो जो है ना, मतलब अगर आपका टेक्निकल जो है वो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सिर्फ उन 10-20% से कुछ नहीं कर सकते। और नॉर्मली जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनका जो है ना मतलब नॉलेज अगर उनका अपना अच्छा है तो वो 10-20% तकरीबन सबका एक ही तरह का नॉलेज होता है, सबका जो है ना एक ही तरह का लेवल होता है। बाकी ये है कि आप उनमें ये करंट अफेयर्स को या जनरल नॉलेज को कुछ भी पूछा, इंग्लिश के कुछ सिनोनिम्स वगैरह आ जाते हैं, तो या फिर उनके ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस, वो तो हो जाता है, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप अपनी टेक्निकल तैयारी पूरी रखें तो आप जो है ना एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 80-90% आपका एग्जाम टेक्निकल नेचर का होता है। ठीक। अच्छा, एक तो टेक्निकल नेचर का होता है, तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, आपने कोई आया अकेडमी ज्वाइन की थी या इसको सेल्फ बेसिस पे स्टडी किया था जो है रिगार्डिंग टेस्टिंग जो है? देखें, ये जो मैं बताऊं वन टेस्ट इंटरव्यूज होते हैं, इनके लिए अकेडमी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके लिए मैं आपको बताऊं काफी सारे मतलब ऑनलाइन जो है ग्रुप्स भी हैं, ऑनलाइन इतने मटेरियल्स, वेबसाइट्स, बुक्स, इतना कोर्स कंटेंट अवेलेबल है कि बजाय इधर उधर टाइम जाया करने के आप घर में बैठें, अपनी तैयारी करें, अपनी जो है ना चीज़ों, पास्ट पेपर्स अगर आपको मिलते हैं आप उनको बड़ी अच्छी तरह तैयार करें, उनको जो है ना उनको गो थ्रू करें, आइडेंटिफाई करें कि आपके पास्ट पेपर्स में ज़्यादा किन सब्जेक्ट्स को टारगेट किया गया है, उन सब्जेक्ट्स को जो है ना वो क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उनको किस तरह सेट किया गया है एग्जाम्स में, और फिर आपको अपने एग्जाम्स को उस लिहाज से तैयार करना चाहिए। बजाय अगर आप इधर उधर फिरेंगे और जो है ना इधर उधर अकेडमीज में जाएंगे, उससे आपको कोई खातिर खा फायदा नहीं होने वाला मेरी नजर में। आपको खुद जो है सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैंने भी सेल्फ स्टडी की थी, आपको भी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, यानी समरी वाइज आप ये कह रहे हैं कि एनीबॉडी हु हैज हिज कॉन्सेप्ट्स क्लियर थ्रू आउट द इंजीनियरिंग, उसके लिए ये पेपर करना इतना मुश्किल नहीं होता, कंसेप्चुअल पेपर होता है, आप बैठ के स्टडी करें और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो है एक तो आपने बता दिया टेस्टिंग के कोर्स कंटेंट बता दिए, बुक्स भी बता दी, मुझे बताएं कि जो है आया जब एक दफा आपका टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद कोई इंटरव्यू भी होता है या जस्ट जो है टेस्ट की बेसिस पे आपकी हायरिंग हो जाती है? जी, बिल्कुल, उसमें आपका जो है वो इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू भी बड़ा कंसिडर किया जाता है। ये नहीं है कि आपने टेस्ट दे दिया, आप कह दें जी मैं तो जो है ना वो सिलेक्ट हो गया, या आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया मैं सिलेक्ट हो गया। आपको टेस्ट में भी परफॉर्म करना पड़ता है, इंटरव्यू में भी परफॉर्म करना पड़ता है। इंटरव्यू भी आपका जो है ना वो बड़ा, एक मैंने जो नोट किया, बड़ी डाइवर्स किस्म की नेचर का इंटरव्यू होता है आपका। मतलब ये नहीं है कि कोई बिल्कुल सीधा 2-4 सवाल पूछ लिया, ऐसी बात नहीं है। आप जाते हैं वहाँ पर जो है ना आपके 3 से 4 लोग जो हैं वो आपके इंटरव्यूइंग पैनल होता है, वो आपसे इंटरव्यू करते हैं, सब लोग इंटरव्यू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसके अंदर आपकी बेसिक्स देखते हैं, यूं समझ लें कि आपकी जो बिल्कुल आप फिजिक्स पढ़ते हैं मैट्रिक एफएससी में, आपसे वो ये भी डेंसिटी, सरफेस टेंशन भी पूछ लेंगे। मतलब आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर हैं, फ्रिक्शन क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर वो आपसे आपके कोर जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस, आपसे पंप्स के बारे में, टर्बाइंस के, कंप्रेसर के, इन चीज़ों के बारे में भी पूछा जाता है। आप जब इनको कर लेते हैं फिर आपसे वापडा के बारे में भी स्पेसिफिकली पूछा जाता है। मतलब अगर आपने वापडा को भी आपको तैयार करना पड़ता है, आपको उसकी वेबसाइट से गो थ्रू करना पड़ता है, देखना पड़ता है वापडा के बिजनेसेस क्या हैं, वो उसके कितने मेंबर्स हैं, उसके जो है ना मेंबर वाटर है, मेंबर पावर है, मेंबर फाइनेंस है, ये विंग्स हैं, ये क्या क्या करते हैं, इनके क्या रोल्स हैं, वापडा क्या करता है, वापडा O&M करता है, वापडा के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से इन ऑपरेशन हैं, कौन से जो हैं वो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से फ्यूचर प्लान प्रोजेक्ट्स हैं, जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं किन पे काम हो रहा है, किन पे तेजी से काम हो रहा है, जिनके बारे में मोर ऑफन आपकी जो है ना करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में आए रोज जो हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर वापडा उनको एडवर्टाइज करता है। वापडा की अपना फेसबुक के ऊपर पेज भी है, वापडा उस पर भी अपने प्रोजेक्ट्स को एडवर्टाइज करता रहता है कि हमारे जो है ना चेयरमैन साहब ने इधर इधर विजिट किया है, वजीर आजम साहब ने इन प्रोजेक्ट्स को विजिट किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल इन प्रोजेक्ट्स पे भी काम हो रहा है, आपसे उनका भी पूछा जाता है। फिर आपसे हाइडल जनरेशन के बारे में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बाद जब आपका ये टेक्निकल साइड हो जाती है जिसमें बेसिक हो गई, टेक्निकल हो गई, वापडा के बारे में क्वेश्चंस हो गए, फिर आपसे कुछ करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और इस्लामिया टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे। मतलब करंट मिनिस्ट्रीज के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर जो भी मतलब बंदा, डिफरेंट इंटरव्यूज में डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, हर एक की अपनी साइकी, अपना माइंडसेट होता है, वो किसी ना किसी तरह के आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो आपको उसके बारे में भी तैयार रहना चाहिए, आपको इस्लामियात के बेसिक नॉलेज के बारे में भी तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जो है ना बिल्कुल ही इस्लामियात की कोई बेसिक्स ही ना पता हो, वो भी आपसे एक दो क्वेश्चन वो भी पूछ लेते हैं। और आपसे बाकी जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में इन जनरल भी पूछ लेंगे। नेशनल फ्लैग जो है वो किसने डिज़ाइन किया, नेशनल एंथम किसने लिखा, नेशनल फूड्स हमारी कौन सी हैं, एनिमल्स कौन से हैं, ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं। तो मतलब एक इस तरह का डाइवर्स किस्म का जो है ना आपका इंटरव्यू वापडा में आपका होता है, और आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और तैयार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ किसी एक चीज़ की बेसिस पे आप जो है ना वो अपने आप को वो नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं समझ सकते कि आप क्लियर करेंगे। यानी समरी वाइज अगर मैं दोबारा बोलूं तो एक एफएससी, फिर जो है टेक्निकल रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद वापडा से स्पेसिफिकली, और उसके बाद फिर थोड़ा नॉन टेक्निकल लाइक इस्लामियात या जो है क्या नाम है करंट अफेयर्स वगैरह। बिल्कुल। माशाल्लाह, ये जब आप रिटर्न कर लेते हैं, आप अपना ये इंटरव्यू कर लेते हैं, फिर आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो नहीं मेडिकल होता कि आपकी नज़र कमज़ोर है तो रह जाएंगे। मेरी अपनी नज़र कमज़ोर है तो अभी ग्लासेस नहीं लगाई हुई। तो बहरहाल ये है कि मतलब वो एक जनरल आपका जो है ना वो मेडिकल होता है कि आप फिट हैं, ठीक ठाक हैं, आपको जो है ना किसी किस्म की कोई खुदा ना खास्ता खतरनाक बीमारी तो नहीं है। तो इस तरह के जो है ना आपकी हड्डियाँ शड्डियाँ वो मतलब सारा कुछ हो गया, बंदा जो है ना इन फॉर्म है, जॉब कर सकता है वहाँ में। इस तरह का जो है ना एक आपका मेडिकल होता है। गुड हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, आपने एक टेस्ट के बारे में बताया और एक इंटरव्यू के बारे में, ये तो हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि क्या क्या कंटेंट होता है। आपके ख्याल में किस किस चीज को जो है वो प्रायोरिटी वाइज देखा जा रहा होता है? मतलब ऐसे होता है कि किसी बंदे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं भी हुआ, मतलब शायद अल्टीमेटली वो कोई मेरिट लिस्ट भी लगाते हो, लेकिन इंटरव्यू अच्छे की बेस पे उसका हो जाए, और कई ऐसे होते हो कि मतलब चाहे उन्होंने टेस्ट बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन वो इंटरव्यू में चूंकि उनके अकॉर्डिंगली जिस तरह उन्हें लग रहा था वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको जो है वो फेल कर दिए थे। जी, बिल्कुल इस तरह होता है वापडा में। मतलब ये पॉसिबल है कि आपका टेस्ट जो है वो अगर तो आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किए, फिर तो कोई चांस नहीं ना है, फिर तो आप रह गए, तो आप खत्म है। अगर आपने टेस्ट दिया है, आप क्वालिफाई कर गए हैं। अब वापडा इस तरह नहीं करता कि सिर्फ एक टेस्ट की बेसिस के ऊपर किसी बंदे का पूरा बैकग्राउंड ही रिजेक्ट कर दिया जाए। आपने उसकी कैपेबिलिटीज भी देखना होती है, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट में जो है ना वो कोई भी बंदा, किसी का गुड डे एक लकी डे भी हो सकता है, किसी के तुके भी चल सकते हैं, या इस तरह का काम है। तो सिर्फ एक टेस्ट की बेसिस के ऊपर आपको अपनी जो है वो एलोकेशन एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए वापडा में। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट अच्छा दिया था, तो आप फिर रह सकते हैं। और अगर आपका टेस्ट इतना अच्छा हुआ था कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, तो आपको फिर वापडा में जो है ना वो जॉब मिल सकती है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक कैंडिडेट जो है वो जो आता है उसकी क्या यूजुअली आजकल करंट सैलरी है? मैं ऑब्वियसली एब्सोल्यूट टर्म में इसलिए नहीं बात करूंगा कि चेंज होती रहती है वक्त के साथ, लेकिन यूजुअली आजकल की किस जो है ब्रैकेट में चल रही है यूजुअली जो भी एक जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, ही शुड बी एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 75 to 80,000। मतलब ऑलमोस्ट 80,000 के करीब उसकी जो है ना 75 to 80,000 के करीब सैलरी होती है। वो एक बीपीएस 17 बेसिक पे स्केल 17 ऑफिसर होता है। उसमें जो बेसिक इस टाइम वापडा का स्केल चल रहा है वो 30,370 रुपए है। जैसे ही उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, उसमें वो 4 एडवांस इंक्रीमेंट ऑफर करते हैं। तो आपकी जो है ना 39,000 और कुछ रुपए तकरीबन 40,000 के करीब करीब आपकी वो सैलरी बन जाती है। फिर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, एक स्पेशल अलाउंस वापडा 10,000 का देता है, फिर आपको जनरेशन अलाउंस मिलते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस मिलते हैं, फिर आपको एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस होते हैं, रिसेंटली डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, मतलब सारे कर करा के आपके 75,000 to 80,000 एक फ्रेश की, और वंस यू हैव 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस तो आप 90,000, 92,000, 95,000 के करीब ही ले लेते हैं। और अगर वापडा में आप किसी ऐसी जगह पे एलोकेट हो जाते हैं जो कि हार्ड एरिया है, जहाँ पर जो है जाना मुश्किल है, आना मुश्किल है, फैसिलिटीज कम है, एक्सेस मुश्किल है, वहाँ पर आपको हार्ड एरिया का स्पेशल अलाउंस भी मिलता है 20%, 30%, 40% डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एरिया में हैं। तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है, आप मतलब जो है ना 100,000 को भी टच कर सकते हैं, उसको क्रॉस भी कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि, लेकिन यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ गुड सैलरी इन वापडा। माशाल्लाह वाकई हैंडसम सैलरी है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइएगा, आपने अभी हार्ड एरिया का जो है या मतलब जो टफ एरिया है उसका जिक्र किया, टफ एरियाज में कौन कौन से मतलब क्या मुराद है, मुझे अगर इसको एक्सप्लेन कर सकें। जो है देखिए पाकिस्तान में मतलब जो है ना अगर आप देखें ना चश्मा जो है ये तो बड़ा, ये कोई टफ एरिया नहीं, किसी दौर में इसे टफ एरिया हार्ड एरिया कहा जाता था, अब उसका वो अलाउंस खत्म कर दिया गया है क्योंकि चश्मा पे अब जो है ना वो 24 घंटे हर चीज़ की एक्सेस है, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन अगर आप बशाम में चले जाएं या फिर आप जो है वो गोमल जाम पे देख लें या वापडा में कहीं चित्राल में देख लें, मतलब ऐसे फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे आपको 15-15, 20-20 घंटे ट्रैवल करके इधर पंजाब सिंध से जाना पड़ रहा है और इतना ट्रैवल करके आना पड़ रहा है। फिर जिस जगह पे वो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज भी, हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे, आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट की इजीली एक्सेस नहीं है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वापडा के जिन्हें वो हार्ड एरिया डेजिग्नेट करता है। तो अगर आपकी एलोकेशन उन जगह पे हो जाती है तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ फिर करना पड़ता है, लेकिन इन रिटर्न वापडा फिर आपको जो है वो कुछ जो है ना रिन्यूमरेशन देता है, आपको पे करता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस आपको देता है। ठीक ठीक, यानी ताकि एक बंदा डिस्करेज ना हो कि मतलब यार एक तो मैं एरिया ऐसे में आया हूं जो है जी बिल्कुल तनखा भी वैसे ही है। ठीक, बिल्कुल डन हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक बंदा, एक कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाह रहा है तो उस यूजुअली इसकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है या जनरली कहाँ पे जॉब्स जो है अपीयर हो रही होती हैं वापडा की? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स नॉर्मली आजकल जो है ना वो पीटीएस जो है ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो है जॉब्स एडवर्टाइज कर रहा है, पीटीएस के थ्रू हो रही हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर जो है ना वो सबसे बड़ा चैनल है वापडा, अपनी कोई भी जॉब बगैर न्यूज़पेपर पे दिए कभी भी जो है ना वो हायरिंग नहीं करता। वापडा की जितनी भी जॉब्स हैं वो न्यूज़पेपर्स में आती हैं। अगर आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर की एक्सेस है तो ठीक है, वरना आजकल तो ऑनलाइन फोरम्स पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे ही न्यूज़पेपर में कोई जॉब आती है वो फ़ौरन शेयर कर देते हैं। तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उन पेजेस को ज्वाइन करें जो न्यूज़पेपर पे आने वाली सारी जॉब्स को शेयर करते हैं, वो आपके साथ इन जॉब्स को शेयर करेंगे। आपके पास आप उनको खुद भी उन पेजेस को डेली विजिट करें। उसके अलावा आप पीटीएस की वेबसाइट को भी विजिट फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, हर मतलब विजिट ही करना है ना, हर दूसरे चौथे दिन बंदा वेबसाइट खोल के या डेली भी वेबसाइट खोल के 1-8 मिनट स्क्रॉल डाउन करके देख ले के आज कोई नई जॉब ओपनिंग्स तो नहीं है। उस पर लिखा होता है न्यू जॉब ओपनिंग्स या न्यू प्रोजेक्ट्स ये हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट्स में जॉब्स आई हुई होती हैं, आप उनको रूटीनली जो है विजिट करें। सिर्फ वापडा की नहीं, और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, जो भी रेलेवेंट आपकी जॉब ओपनिंग आई है आप उस पर अप्लाई कर। ठीक ठीक। अच्छा माशाल्लाह, एक मुझे थोड़ा सा बताइएगा, चले एक डिस्कशन हुई है शायद इससे भी किसी का फायदा हो जाए। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एक तो आप वापडा में जो है एज ए गवर्नमेंट जॉब है, और कौन कौन से जो है जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं? वापडा के अलावा जो है ना मतलब अगर आप देखें तो PAEC के अंदर जॉब्स अक्सर आती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ हमारे जो है ना PO बॉक्स के मतलब सिर्फ ऊपर नाम नहीं फॉर्म का लिखा होता, नीचे सिर्फ PO बॉक्स लिखा हुआ होता है, तो उसके अंदर फिर आपके जो है ना वो FWO के, POF के, AWC के, इस तरह के अदारे होते हैं, उनके अंदर जॉब्स आती हैं वापडा की। उसके अलावा अगर आप देखें तो नेस्ट पार्क वगैरह में भी वापडा की जो है ना तो कुछ ना कुछ जॉब, सॉरी वापडा में कह रहा हूँ, वापडा को डिस्कस कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो है ना जॉब्स आती हैं उसके अंदर भी। तो ऑल्दो मैकेनिकल की जॉब्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल की निस्बत थोड़ी सी कम होती हैं और थोड़ी लिमिटेड भी होती हैं, मतलब आप देखें डिस्कोज वगैरह में एनटीडीसी में मैकेनिकल की जॉब्स नहीं होती, उनमें मैंने नहीं देखा कि उनमें जो है ना वो मैकेनिकल की जॉब्स आती हों, सिवाय कोई एक आती उनकी जो है ना वो पोस्ट है जनरल सी, उस पर कभी कभार कोई एडवर्टाइजमेंट आती है। तो नॉर्मली जो है ना ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर मैकेनिकल की जॉब्स आती हैं। आप सिर्फ अगर गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है, उसके अंदर बड़े नाम हैं, मतलब आप पेप्सी कोला का देख लें, आप कोका कोला का देख लें, उनके बड़े हैंडसम पैकेजेस हैं, उनके जो है ना प्रोडक्शन इंजीनियर्स उनको चाहिए होते हैं तो उनके अंदर बड़े अच्छे पैकेजेस होते हैं। उसके अलावा आपके पास एफएफसी का अदारा है, आपके पास जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर का जो है वो ग्रुप है, उसके अंदर बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं, एंग्रो में बड़ी अच्छी होती हैं, यूनिलीवर पीएनजी में, फिर आपके जो है ना वो इसके अंदर फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल हो गई या फिर आप जिसको पीएमआई कहते हैं या पीटीसी वगैरह हो गई, मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव नेचर की जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स आती रहती हैं। प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मली ज़्यादा जॉब्स हैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट सेक्टर के निस्बत, तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जहाँ पर आपको एक अच्छी जॉब मिले आप उसको जो है ना वो लाजमी टेकअप करें और उससे आपको इंशाल्लाह फायदा ही होगा। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए, एक तो आपने जो है ओवरऑल बता दिया कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स अपीयर होती हैं, और थोड़ा सा बता दीजिएगा आपने पीटीएस का नाम लिया कि पीटीएस जो है वो कंडक्ट करता है, तो पीटीएस क्या पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज या क्या ये? जी, बिल्कुल, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस जो है ना, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू एनटीएस भी है, कुछ कभी एनटीएस के थ्रू होती है कभी पीटीएस के थ्रू होती है, तो आप इनकी वेबसाइट्स को रूटीनली विजिट करते रहा करें, मतलब एनटीएस में भी आपकी जो है ना वो आ रही होती हैं, पीटीएस में भी आपकी जो है ना वो जॉब्स आ रही होती हैं रोज, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पे भी आप इनको देखते रहा करें, यहाँ पे इनकी जॉब्स अपीयर होती हैं, आप उनको जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करें इन जॉब्स पे और उनके एग्जाम्स पे। डन हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह क्लियर हो गया। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह के एम्प्लॉयज हैं जो वापटा में आके बड़ा कह लें कि थोड़ा बेहतर फील करते हैं, मतलब रिलेटिवली जो है ईज में होते हैं, और कुछ ना कुछ ऑब्वियसली पार्ट ऐसा भी होता है जो आ तो जाता है, मतलब किसी भी अदारे में, ये सब मतलब सिर्फ वापटा का ही नहीं, किसी भी एक अदारे में, लेकिन वो उतने जो है वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो आपने ओवरऑल जनरल एक ऑब्जर्वेशन हो तो आपके ख्याल में किस तरह के कैंडिडेट्स को जो है वापटा जो है वो सूट करता है? जी, देखें इस तरह है कि वापटा जो है ना नो डाउट एक ना ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है डे टू डे, मतलब वापडा के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, आप देखें अभी दयामीर भाषा डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, मोहम्मद डैम बन रहा है, ये तीन जो हैं बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुरम तंगी है, और इवन के हाइडल के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी इस टाइम जो है ना वो पावर प्लांट्स लगा रहा है। इसमें अगर आप देखें एक कोहाला है और एक दो और भी हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, मतलब ना हाइडल के लोग आ रहे हैं, कुछ सीपैक के अंडर चाइनीज फर्म्स हैं जो कि इस पे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो कर रही हैं। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था किस तरह के कैंडिडेट्स इस पे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वापडा की जो जॉब नेचर है ना, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आपको रिमोट एरिया में शहरों से कट ऑफ होकर रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जो है वंस वापडा में आएंगे आपकी पोस्टिंग जो है, मतलब इवन मैं चश्मा में हूँ बट स्टिल चश्मा जो है ना वो लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद से बहुत डिफरेंट जगह है। यहाँ पर भी आपको उस तरह का रौनक मेला नहीं मिलेगा, उस तरह की जो है ना नाइट लाइफ नहीं मिलेगी, बाहर आपको दोस्त यार जिनके साथ निकल के बंदा किसी जो है ना किसी स्ट्रीट कॉर्नर पे, फूड कॉर्नर पे गपशप बैठ के लगा रहा है, वो वाले लाइफ स्टाइल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मतलब आप जो है ना अगर तो मेंटली प्रिपेयर हैं, आइसोलेटेड सोसाइटी में रहने में तैयार हैं, एक कट ऑफ हो के अपने जो है ना मेन सिटी से, तो फिर आपको वापडा की जॉब सूट करेगी। लेकिन अगर आप इस तरह की जगह पे आके मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको फील होता है कि यार ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, तो फिर ये जॉब जो है ना वो आपको ज़रा तंग करेगी। और तो कुछ एडजस्ट भी हो जाता है बंदा, शुरू में दिल नहीं लगता, विद द टाइम आप जो है ना इन जगहों पे एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं, मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्ज़ाम ना दें, आप एग्ज़ाम दें, आप इंटरव्यू दें, आप इसके लिए पूरी कोशिश करें, बट वंस यू आर एलोकेटेड फिर आप आएँ, आके अपने साल 2 साल गुजारें, मीनवाइल बाकी तैयारी भी करते रहें। अगर आपको लगे कि ये जगह आपको सूट करके, क्योंकि कुछ लोगों को वो जो शहरों का शोर शराब है वो सूट नहीं भी करता, उनको ज़रा एक कूल एंड काम इन्वायरमेंट उनके लिए हो कि यार जॉब हो अपनी, कोई प्रेशर ना हो और घर हो आपका। हाँ, ये है कि वापदा की काफ़ी जगहों के ऊपर अपनी कॉलोनीज बनी हुई हैं, उनकी छोटी मोटी अपने डिस्पेंसरीज भी हैं, छोटे मोटे स्कूल भी हैं अपने, तो वो एक इस तरह का इन्वायरमेंट एम्प्लॉइज को देते हैं कि एम्प्लॉइज वहाँ पर जो है ना वो सस्टेन कर सकें। आपके घर अच्छे बने हुए होते हैं, आपको उनके अंदर जो है ना वो अकोमोडेशन भी मिल जाती है, आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं, जैसे मैंने भी रखा हुआ है अपने पेरेंट्स को, बीवी बच्चों को, उनको अपने साथ रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिर मतलब जब आपको टाइम मिले तो आप अपने जो है ना वो शहरों को विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह की जॉब में आपको जो है ना ये है कि मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए रिमोट एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में रहने के लिए, जहाँ पर आपकी एक्सेस जो है वो लिमिटेड होगी काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना वो चीज़ों की। ये बात एनी फाइनल बाकी बाकी ये है कि वापडा के अंदर मतलब जो है वो पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर फ्री सप्लाई का भी बड़ा अच्छा जो है ना वो पर्क है। इनके मैंने नोट किया इनके सोसाइटीज़ में जिस तरह आप रहते हैं वहाँ पर कोई लोड शेडिंग है, गैस के बिजली की लोड शेडिंग है, कोई मसाइल नहीं होते, तो आप एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट होता है जहाँ आप रह सकते हैं। तो ये फिर आपके टोटली नेचर पर डिपेंड करता है वंस यू ज्वाइन वापडा के आप इस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक, यानी अगर समरी वाइज अगर बात की जाए कि अगर आप स्टेबल और काम किस्म की एनवायरनमेंट चाहते हैं तो देयर इज नो बेटर इंस्टीट्यूशन देन वापडा। ठीक, बिल्कुल 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 इसी तरह। अच्छा, मुझे एनी फाइनल एडवाइस बिफोर समिंग अप द इंटरव्यू के जो है ना कोई आप देना चाह रहे हो, जो आप देख रहे हो कि यार ये कैंडिडेट्स में जो आते हैं इनमें या मसला होता है या उनकी होप ऐसी होती है तो वो आते हैं तो फिर उनको जो है वो बेहतर नहीं फील करते हैं, तो इस तरह की कोई एडवाइस करना चाह रहे हैं? देखें, इन कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस यही है कि मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ऑल दो जॉब्स अभी लिमिटेड हैं, और स्पेसिफिकली वापडा की अगर मैं बात करूं तो पहले इस तरह होता था कि वापडा के अंदर जो है ना वो इतनी जल्दी हायरिंग नहीं होती थी। मतलब ये पिछले अभी ये जो 2-3 बैच हमारे हायर हुए, इससे पहले जो है ना काफ़ी अरसे बाद जो है ये हायरिंग स्टार्ट हुई है वापडा में। पहले हायरिंग कम होती थी, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे पास 2 ही बड़े डैम थे, मंगला और करबेला, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी लिमिटेड थे। तो पिछले जो हैं वो 10-12 साल के अंदर कोई इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं थे, लेकिन अब वापडा जो है ना वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वापडा के प्रोजेक्ट्स भी जो है ना वो एक्सपेंड हो रहे हैं, वापडा के अंदर जो है मतलब इनके डैम्स भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, पावर हाउसेज भी बन रहे हैं। तो वापडा इतनी तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है तो इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और इन फ्यूचर भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो कैंडिडेट्स को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आप तैयार करें। एक दफ़ा नहीं, अब तो ऑलमोस्ट हर साल 2 साल बाद वापडा की जॉब्स आना शुरू हो गई हैं, और वो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि इन फ्यूचर वापडा को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे इनके पावर हाउसेज में बहुत ज़्यादा जो है ना पोटेंशियल है इस टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। तो 2025 से लेकर 2028-30 तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो वापडा ये नहीं है कि तभी अभी हायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि तब तक इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो उन नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो हर साल 2 साल के अंदर वापडा की जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं। कैंडिडेट्स जो है ना उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए अप्लाई करें, तैयारी करें, टेस्ट दें। एक दफ़ा होता है, वेल एंड गुड नहीं होता। उनकी प्रैक्टिस होगी, उनको आइडिया होगा किस तरह का एग्जाम्स है, कहाँ से क्वेश्चन आए, किन सब्जेक्ट्स को टच किया। अगली दफ़ा दोबारा बेहतर तैयारी के साथ आए, तो बेहतर तैयारी के साथ आके वो अगली दफ़ा 1-2 दफ़ा में इंशाल्लाह वो इस एग्ज़ाम को किसी ना क्लियर कर ही जाएंगे, अगर उनकी डेडिकेशन और मोटिवेशन रही तो डोंट लूज़ होप। आप जो है तैयारी करें, और बहुत सीट्स आने वाली हैं, जॉब्स आने वाली हैं, बहुत पोटेंशियल है वापडा में। सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हैं, पर्क्स भी अच्छे हैं। तो इसके लिए मैं यही कैंडिडेट्स को एडवाइस करूंगा कि आप जो हैं तैयारी करें, और बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह, यू हैव रियली डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर शाहिद साहब। होपफुली जो है हमने सारे पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है वो कवर आउट कर दिए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।